बिलियर्ड्स और स्नूकर में उत्कृष्ट श्री आदित्य एस मेहता ने एशिया खेल 2010 में स्नूकर टीम इवेंट में रजत पदक और सिंगल्स में कांस्य पदक, नेशनल स्नूकर चैंपियनशिप 2011 में स्वर्ण पदक तथा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। बिलियर्ड्स और स्नूकर के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री आदित्य एस मेहता को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री आदित्य एस मेहता। श्री विकास कृष्ण। बॉक्सिंग में उत्कृष्ट श्री विकास कृष्ण ने एशिया खेल 2010 में स्वर्ण पदक, युवा विश्व बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2010 में स्वर्ण पदक, एशियाई बॉक्सिंग चैंपियनशिप 2010 में स्वर्ण पदक तथा कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में भी भाग लिया। बॉक्सिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री विकास कृष्ण को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री विकास कृष्ण। श्री युवराज सिंह। क्रिकेट में सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ी श्री युवराज सिंह ने 169 के अधिकतम स्कोर तथा 3 शतकों के साथ 37 टेस्ट मैचों में 1775 रन बनाए हैं। आईसीसी क्रिकेट विश्व कप 2011, जिसे भारत ने जीता था, श्री युवराज सिंह ने उसमें 1 शतक और 4 अर्धशतक लगाए और 15 विकेट लिए। सितंबर 2007 में दक्षिण अफ्रीका में खेले गए उद्घाटन आईसीसी विश्व टी20 में उन्होंने इंग्लैंड के विरुद्ध एक ही ओवर में 6 छक्के लगाए। क्रिकेट के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री युवराज सिंह को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री युवराज सिंह। श्री सरदार सिंह। हॉकी के उत्कृष्ट खिलाड़ी श्री सरदार सिंह ने एशियाई खेल 2010 में कांस्य पदक जीतने वाली भारतीय हॉकी टीम का नेतृत्व किया था। वे उस भारतीय हॉकी टीम के सदस्य थे जिसने 18वें एवं 19वें सुल्तान अजलान शाह कप मलेशिया 2009 तथा 2010 में स्वर्ण पदक जीते। वे एशिया कप टूर्नामेंट 2009 में दूसरे सबसे अधिक स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में भी भाग लिया। हॉकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री सरदार सिंह को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री सरदार सिंह। श्री यशपाल सोलंकी। जूडो के श्रेष्ठ खिलाड़ी श्री यशपाल सोलंकी ने राष्ट्रमंडल जूडो चैंपियनशिप 2008 में रजत पदक तथा 2010 में स्वर्ण तथा कांस्य पदक जीते। पाकिस्तान में आयोजित दक्षिण एशियाई चैंपियनशिप 2011 में स्वर्ण पदक जीते। 1994 से 2011 तक 17 वर्षों के लिए उन्होंने राष्ट्रीय चैंपियनशिप में लगातार स्वर्ण पदक जीता। जूडो के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री यशपाल सोलंकी को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री यशपाल सोलंकी। श्री अनूप कुमार। कबड्डी के उत्कृष्ट खिलाड़ी श्री अनूप कुमार
उस भारतीय कबड्डी टीम के सदस्य थे जिसने 16वें एशिया खेल 2010 में स्वर्ण पदक तथा 11वें दक्षिण एशिया खेल 2010 ढाका में स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी पदक जीते। कबड्डी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री अनूप कुमार को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री अनूप कुमार, श्री समीर सुहाग, पोलो के उत्कृष्ट खिलाड़ी श्री समीर सुहाग 2011 में अर्जेंटीना में विश्व कप के फाइनल में दूसरा सर्वाधिक स्कोर करने वाले खिलाड़ी थे। उन्हें 2011 में दक्षिण अफ्रीका के विरुद्ध टूर्नामेंट का सर्वोत्तम खिलाड़ी और सर्वाधिक स्कोर करने वाला खिलाड़ी घोषित किया गया। पोलो के क्षेत्र में उनकी उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री समीर सुहाग को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री समीर सुहाग, सुश्री अनुराज सिंह, शूटिंग में सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक सुश्री अनुराज सिंह ने 19वें राष्ट्रमंडल खेल दिल्ली 2010 में 10 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम में स्वर्ण पदक, 16वें राष्ट्रमंडल खेल चीन 2010 में 10 मीटर एयर पिस्टल महिला टीम में रजत पदक जीते। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में भी भाग लिया। कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी पदक जीते। शूटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में सुश्री अनुराज सिंह को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री अनुराज सिंह, श्री ओंकार सिंह, शूटिंग में सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक श्री ओंकार सिंह ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में 2 स्वर्ण पदक वैयक्तिक, 1 स्वर्ण पदक और 1 रजत पदक जोड़े से 4थी एशियाई शूटिंग चैंपियनशिप 2008 में 4 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक जीते हैं। उन्होंने कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक भी जीते हैं। शूटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री ओंकार सिंह को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री ओंकार सिंह, श्री जॉयदीप कर्माकर, शूटिंग में सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक श्री जॉयदीप कर्माकर ने राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2010 में स्वर्ण पदक, ऑस्ट्रेलियाई ओपन चैंपियनशिप 2006 में स्वर्ण पदक, राष्ट्रीय खेलों में 2 स्वर्ण तथा 2 रजत पदक जीते। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में भी भाग लिया। उन्होंने कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। शूटिंग के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री जॉयदीप कर्माकर को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री जॉयदीप कर्माकर, सुश्री दीपिका पल्लिकल, स्क्वॉश में सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक सुश्री दीपिका पल्लिकल ने राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2011 में स्वर्ण पदक, WISPA USA और वॉशिंगटन DC 2011 दोनों में स्वर्ण पदक, एशियाई जूनियर चैंपियनशिप 2010 में स्वर्ण पदक, विश्व जूनियर चैंपियनशिप 2010 में कांस्य पदक जीते। उन्होंने कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। स्क्वॉश के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में सुश्री दीपिका पल्लिकल को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री दीपिका पल्लिकल,
श्री संदीप सेजवाल, तैराकी में सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक श्री संदीप सेजवाल ने 11वें दक्षिण एशियाई खेल ढाका 2010 में 100 मीटर तथा 200 मीटर ब्रेस्ट स्ट्रोक इवेंट में स्वर्ण पदक, सिंगापुर में 7वीं सिंगापुर नेशनल चैंपियनशिप में स्वर्ण तथा रजत पदक, 34वें राष्ट्रीय खेल रांची 2011 में 3 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य पदक जीते। उन्होंने कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। तैराकी के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री संदीप सेजवाल को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री संदीप सेजवाल, सुश्री एनजी सोनिया चानू, भारोत्तोलन में सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक सुश्री एनजी सोनिया चानू ने राष्ट्रमंडल भारोत्तोलन चैंपियनशिप मलेशिया 2009 में स्वर्ण पदक, राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप 2011 में स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में भी भाग लिया। कई राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी पदक जीते। भारोत्तोलन के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में सुश्री एनजी सोनिया चानू को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री एनजी सोनिया चानू, श्री नरसिंह यादव, कुश्ती में सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक श्री नरसिंह यादव ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में स्वर्ण पदक, वरिष्ठ एशियाई कुश्ती चैंपियनशिप 2010 में स्वर्ण पदक तथा कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते हैं। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में भी भाग लिया। कुश्ती के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री नरसिंह यादव को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री नरसिंह यादव, श्री राजेंद्र कुमार, कुश्ती में सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक श्री राजेंद्र कुमार ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में स्वर्ण पदक, वरिष्ठ राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया 2010 में स्वर्ण पदक, राष्ट्रमंडल कुश्ती चैंपियनशिप 2011 में स्वर्ण पदक तथा कई राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। कुश्ती के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री राजेंद्र कुमार को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री राजेंद्र कुमार, सुश्री गीता फोगाट, कुश्ती में सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक सुश्री गीता फोगाट ने राष्ट्रमंडल खेल 2010 में स्वर्ण पदक, वरिष्ठ राष्ट्रमंडल चैंपियनशिप ऑस्ट्रेलिया 2011 में स्वर्ण पदक, कजाकिस्तान में आयोजित एशियाई ओलंपिक खेल क्वालिफाइंग कुश्ती टूर्नामेंट 2012 में स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने लंदन ओलंपिक 2012 में भी भाग लिया। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। कुश्ती के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में सुश्री गीता फोगाट को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री गीता फोगाट, श्री एम बिमोलजीत सिंह, वुशु में सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक श्री एम बिमोलजीत सिंह ने 16वें एशिया खेल 2010 में कांस्य पदक,
19वें वरिष्ठ राष्ट्रीय चैंपियनशिप 2011 में रजत पदक, 34वें राष्ट्रीय खेल रांची 2011 में स्वर्ण पदक जीते तथा कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी पदक जीते हैं। वुशु के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री एम बिमोलजीत सिंह को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। श्री एम बिमोलजीत सिंह। सुश्री दीपा मलिक। एथलेटिक्स पैरा स्पोर्ट्स में सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक सुश्री दीपा मलिक ने सीपी स्पोर्ट्स नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप नॉटिंगम 2010 में 3 स्वर्ण पदक, आईपीसी विश्व चैंपियनशिप न्यूजीलैंड 2011 में रजत पदक, पहली मलेशियाई ओपन पैरा एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2012 में 2 स्वर्ण पदक जेवलिन तथा डिस्कस थ्रो में जीते। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय चैंपियनशिप में भी पदक जीते। एथलेटिक्स पैरा स्पोर्ट्स के क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में सुश्री दीपा मलिक को वर्ष 2012 के लिए अर्जुन पुरस्कार प्रदान किया जाता है। सुश्री दीपा मलिक। श्री रामकरण सिंह। श्री रामकरण सिंह एथलेटिक्स पैरा स्पोर्ट्स नेत्रहीन सर्वाधिक उत्कृष्ट खिलाड़ियों में से एक। उन्होंने एशियाई पैरा खेल 2010 में रजत पदक, 400 मीटर नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2012 में 1 स्वर्ण पदक, 5वें राष्ट्रीय पैरालंपिक खेल 2010 में 400 मीटर, 800 मीटर तथा 1500 मीटर में 3 स्वर्ण पदक जीते। उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पदक जीते। एथलेटिक्स पैरा स्पोर्ट्स नेत्रहीन क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के सम्मान में श्री रामकरण सिंह को वर्ष 2012 के लिए